अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जो है वो आए हुए हैं सुकोड़ो में। आज जो डेट है वो अक्टूबर की 13 अक्टूबर 2021 और जो है चांद की जो डेट है वो 6 तारीख है आज। तो आज चांद की 6 तारीख यानी 13 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर सुकोड़ो में आए। हम लोग इब्राहिम हैदरी से निकले थे तकरीबन 12-1 बजे और उसके अलावा हम जो है हमने चारा वगैरह भी जमा किया। तो अभी रात के चार बजे हम फिशिंग खेल रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये काले धंधिए का पॉइंट है, ब्लैक ब्रीम यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। बड़ी स्ट्राइक भी होती है लेकिन बड़ी स्ट्राइक बहुत कम होती है, अगर हो गई तो जो है वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा अभी फ़िशिंग स्टार्ट कर रहे हैं रात के 4 बजे, और सुबह के टाइम पे थोड़ी जो है वो फ़िशिंग ज़्यादा होती है, रात के टाइम पे थोड़ी कम होती है, लेकिन उस फिर भी हमने जो है वो फ़िशिंग स्टार्ट कर दी है। हमने जो है वो आटा हमने जो लिया था उसमें हमने जो है वो भूसा लेना भूल गए थे, लेकिन फिर भी जो है वो सादा आटे पे जो है हम ट्राई करेंगे। लूअर भी हमारे पास है, लूअर पे खेलेंगे। लूअर को भी शौक़ से खाता है काला धंधिया, और आटे में जो भूसा मिलाते हैं वो छठ बन जाती है, तो छठ को जो है वो समझ लो वो खुशबू से आता है जो भूसा हम मिलाते हैं, तो वो समझ लो छठ है आटे के लिए। तो खैर वो हम भूल गए, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा भी जो लूअर वगैरह है, वीडियो में बने रहें और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब फ़िशिंग की तरफ चलते हैं, जो भी स्ट्राइक होती है आपको दिखाते हैं नाइट के टाइम पर और सुबह के टाइम पर। अभी ये आटा जो है वो बशीर बना रहा है बगैर भूसे के, लेकिन फिर भी इस पर भी लगेंगे इंशाल्लाह। ये देखो अभी आटे के बजाय लूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लूअर का भी शौकीन है ब्लैक ब्रीम। तो ये है कि अब इसको डाल रहे हैं लूअर, ज़ुबैर भी लूअर लगा रहा है बचायो और बशीर भी। अभी ये नाइट के टाइम पे जो है वो इब्तिदा हो रही है, अब देखते हैं क्या चीज़ है। ओ काला धंधिया माशाल्लाह, और इस तरफ भी काला धंधिया। तो भाई अभी हम लोग जो है यहाँ पर काले धंधिए की जो है वो जागीर पे आए हुए हैं और हमारी जो है इब्तिदा हुई है। काले धंधिए अच्छे साइज़ के लग रहे हैं, दोनों साइड पे लगे हैं, ज़ुबैर को भी लगा है और ये यहाँ पर बचाए को भी लगा है। अब छल्ला निकालो, छल्ले में रखो, कूद गया भाई बशीर, ये रखो भाई। ये जो है वो काले धंधिए पकड़ लिए हैं, अब ये जिंदा झींगे पकड़ें। ये जिंदा रख रहे हैं, ये हमने बुई निकाल दी जिंदा। अरे पट्टी जाल पे जिंदा झींगे जो है वो पकड़ के इसमें रख रहे हैं, जिंदा पे खेलेंगे, जिंदा झींगे पे। भुई जो है हमने निकाल दी है, ये पड़ी हुई है सामने। माशाल्लाह छोटे से जाल में सही झींगे लग गए हैं। ये देखो अभी ये अच्छे खासे दाने पकड़ लिए। माशाल्लाह ये अभी एक ही जाल में ये लगा है, स्पेस हमारे पास कम पड़ गया इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। छोटी बरनी जो है वो इससे निकाल रहे हैं, छोटी बरनी से, और ये बड़ी वाली बरनी में डाल रहे हैं। ये झींगे अभी हम जो है वो डाल के पानी में छोड़े, इसमें जो है वो लटको खड़ा हूँ। दो तीन रब्बा 8-10 दाने हमने डाले हैं इसमें बाल्टी में, बाकी हमने बरनी में रखे हुए हैं। ये देखो ये इसने लगाया है बशीर भाई ने, ये देखो जिंदा झींगा। ज़ुबैर ने भी लगा दी, ये झींगे वाली डोरी फेंक रहे हैं।
माशाल्लाह फर्स्ट स्ट्राइक हुई है झींगे के ऊपर और इंशाल्लाह कोई अच्छा ही दाना लग रहा है। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये फर्स्ट स्ट्राइक हुई है मिर्चाइयों के पास। अब देखते हैं क्या चीज़ है। ओ काला धंधिया माशाल्लाह। अच्छा साइड लगा है यार धंधिया। देखो बचा है कितना होगा। दो किलो का है ना। अभी कांटा तो है नहीं हमारे पास, ऐसे ही अंदाजा लगा रहे ना। बकला मजे का दिन है। हाँ सही चलेगा। सही है माशाल्लाह। फेंको शर्मा को नहीं। बशीर के भाई के पास छोटा काला धंधिया आ गया। निकालो इसको। अभी ये काले धंधिया का पॉइंट चेंज कर रहे हैं। मजा नहीं है। स्लो स्लो खा रहा है काला धंधिया भी। काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा है। पानी थोड़ी जी नगो। माशाल्लाह भी ये स्ट्राइक हुई है किचन में और देखो किस तरह डूबी लेकर जा रहा है बशीर से। और ये छन में जो है वो इब्तदा हुई है हमारी झींगे के ऊपर। और ये देखें माशाल्लाह किस तरह डोरी जो है वो हाथ से लेकर जा रहा है। देखें अरे भाई कट गई डोरी कट गई। भाई ये डोरी जो है हमारी और ये जो है वो झींगे पे स्ट्राइक हुई। झींगे पे जो है वो गोली और सुए की चांस थी यहाँ पर, लेकिन ये है कि हम नहीं चढ़ा सके, फेल हो गए। और ये है कि डोरी हमारी टूट गई। चलो कोई मसला नहीं है, अभी हम लोग जो है वो छन पे आ गए हैं। हम लोगों ने जो है वो रात में आकर, मैंने इंट्रो दिया बताया था रात में जो है वो इंट्रो दिया था कि दो धंधी हमने सुकोड़ों में पकड़े थे, उसके बाद फिर हम सुबह सवेरे सवेरे आ गए थे यहाँ छन में। और छन में हमने दो काले धंधी पकड़े थे, एक छोटा पकड़ा था एक बड़ा, दो किलो के करीब था वो पकड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं छन में। सुआ और गोली का जहाँ शिकार होता है वहाँ पर आकर जो है वो हमने एंकर फेंका। और झींगे पे फर्स्ट स्ट्राइक हुई हमारी और आपके सामने है। काफ़ी झींगे हमारे जो है वो मछलियाँ खा भी गई हैं, चारा जो है वो खाया भी है, लेकिन जब स्ट्राइक हुई है तो वो आपके सामने थी। अच्छी स्ट्राइक थी, ताकतवर मछली थी। अब सुआ था या गोली थी ये पता नहीं, लेकिन ये जागीर जो है काला धंधिया और गोली और सुआ इन तीन जो है वो फिशेस का जो है वो जागीर है। अब जो नसीब में नहीं था तो बस ये है कि नहीं लगा, लेकिन अल्लाह मालिक है, अगर लग गया तो आपको दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी बशीर के बाद डोरी जो टूटी है वो है बचायों की। और ये डोरी कोई तकरीबन 80 पाउंड की डोरी जो है ये टूट गई है। और उस पर जो चारा हमने लगाया है, हमने ये लगाया है, हमने खगा लगाया था, सही है। और जो है वो डोरी टूट गई, ये घिसर की चांस थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो गोली का चांस था,
लेकिन दो स्ट्राइक मिस हुई है अल्लाह मालिक है। हाँ वाकई अभी ये दोबारा चारा लगा रहे हैं, आपके सामने लगाएंगे और डालेंगे, देखते हैं क्या लगता है। और ये क्या अभी इसके कांटे तोड़े जा रहे हैं, ये देखें बिल कांटे तोड़ दिए हैं और ये जो है इस तरह और अभी ये जो है वो दोबारा हम गिरा रहे हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो ये फेंक दिया हमने, इधर से ही गिरा दिया। अभी ये एक और मछली लगी है लेकिन ताकत कम लगा रही है, काला दंदिया। ये तो सुकून से चढ़ जाते हैं लेकिन वो जो है क्योंकि यहाँ पर एक और मसला भी है कि नीचे जो है वो पटराटी है, नुकीली जिप्पियाँ हैं। तो एक मिनट मैं इसको रख लूँ बच्चा डाटो डीच। हाँ नीचे जो है वो नुकीली सिप्पियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी डोरियाँ उसके ऊपर लग के कट रही हैं। तो ये है कि आखिर हमने फेंक दिए नुकीली सिप्पियों के ऊपर जो है ना हमने ठगे वगे फेंक दिए। अभी फ़िलहाल हम जो है वो झींगे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खग्गे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और स्ट्राइक और ये भी काले दंदिए में शक है, शायद वही होगा। और गोली आ गई। देखें माशाल्लाह गोली लग गई है। ये देखो लग गया भाई दंदिया, लग गया है काला दंदिया और ये सुकून से ही आता है। नहीं गोली है ये, दूसरी गोली है माशाल्लाह भाई, ये दूसरी गोली लग गई। ये लग गई है झींगे पे और ये दूसरी देख दो गोलियां और तीन चार दंदिए, बाकी रात वाले हमने आइस बॉक्स में रखे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी ये दोस्तों ये जो है सुबह से लेकर शाम तक का शिकार लगा है, उसमें तकरीबन 6-7 दंदिए लगे हैं काले दंदिए, तकरीबन 6 दाने और 2 गोली लगी हैं। तो ये शिकार है बस इंशाल्लाह, ये शिकार जो है वो लगा है, ये शिकार जो आपको अभी दिखाया है ये शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। और फर्स्ट डे हमारा ये जो है हमारा छन और सुकोड़ों में जो है वो चेकिंग वाला था, हम इसको चेक कर रहे थे तो अच्छी रिपोर्ट है। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा खेलेंगे और आपको जो है वो दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये शिकार है ठीक है ना दोस्तों। ठीक है अब इसको हम फ्रीज कर रहे हैं। दिल के देर है मुझे बोले मछली में कट।